हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम था बीपीएससी का, और उसी का आंसर की मैं अभी आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सब जगह से मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर की बताऊँगी गूगल से वेरीफाई करने के बाद। और कुछ एरर्स तो हर जगह होते हैं, तो फिर एरर मेरे से भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बीपीएससी के और भी एग्ज़ाम्स के हम लोग आंसर कीज प्रोवाइड करने वाले करेंगे अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मैं कम टाइम में कोशिश करूंगी कि आपको सारे आंसर कीज बता दूं, और जहां जहां पर लगेगा कि इन्फॉर्मेशन देनी है मैं वो भी आपको दे दूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसएमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। किसने शुरू किया था मदरलैंड बिहार में, सबको पता होगा, बी मजरूल हक। सेकंड, हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फेब्रुवरी 1922, कौन थे वो, महात्मा गांधी। थर्ड, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937। इम्तियाज अहमद की बुक से क्वेश्चन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद यूनुस। फोर्थ, द नेम ऑफ हिंदी वीकली विच वॉज द माउथ पीस ऑफ एग्रेरियन एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार इन 1940 वॉज, क्या था वो, हुंकार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। आफ्टर सूरत स्प्लिट हु कंट्रोल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे कुछ को मॉडरेट्स, लेकिन नहीं, एक्सट्रीमिस्ट तो चले गए थे, तो मॉडरेट्स सब कंट्रोल कर रहे थे इसको। सिक्स्थ, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो सबको पता होगा, बबरुद्दीन तैयब जी। सेवन, हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी प्रायर टू द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। किसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था, तो वो थे मोहम्मद इकबाल। एट, हु ऑर्गेनाइज चितगांव आर्मरी रेड, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, करेक्ट आंसर इज बी सूर्य सेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे। विच आर द फॉलोइंग वर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह, क्या थे, तो दो चीजें थी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, तो करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड टू। टेंथ, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एनेबल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हार्बियस कॉर्पस। हार्बियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, कि टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, तो यहाँ पर क्या था कि इस राइट को ही सस्पेंड कर दिया गया, और ये हुआ था सी रोलेट एक्ट 1919 में। इलेवेंथ, हु वॉज नॉट अमंग द फाउंडर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो कौन कौन थे, आगा खान थे, नवाब सलीमुल्ला थे, मोहसिनुल मुल्क थे, जिन्ना नहीं थे, तो करेक्ट आंसर इज जिन्ना। ट्वेल्थ, द मोपला रेबिलियन इन मलाबार वॉज एन ऑफशूट ऑफ, तो ये घटना चक्र का क्वेश्चन है और ये खिलाफत मूवमेंट का ऑफशूट था। थर्टीन, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंडस्पन खादी, तो ये थे बी गणेश वासुदेव जोशी। फोर्टीन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति, तो स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर कौन थे, तो ये थे अश्विनी कुमार दत्ता, ए। फिफ्टीन, हु वॉज द कवीनर ऑफ द ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म्ड इन बिहार, तो कौन थे वो, तो वो थे सी श्री कृष्ण सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये जो हैं ये सारे हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चंस, तो मैं इसको डायरेक्ट बता देती हूँ कि ये जो लेमन वाला क्वेश्चन था इसको किस तरीके से किया गया, मैंने तो उसको परसेंटेज यूज करके किया था, और मेरा करेक्ट आंसर आया था 20, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स पे, तो हमने क्या किया कि एक ट्रेपीजियम लिया और मतलब उसको इस तरीके से बनाया, फिर यहाँ पर क्या होता है, दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना, बीच का एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, दोनों का एरिया जोड़ा, आया कितना, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये था वर्क एंड टाइम का था, साथ ही साथ यहाँ रेम्यूनरेशन भी था, तो जो ज़्यादा कम दिन में काम करेगा उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, करेक्ट आंसर इज बी। 19th पे आते हैं, एवरेज वेट किस तरीके से निकालना है, तो एवरेज इधर का निकाल लिया 50 लोगों का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर टीचर का निकाल लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, तो 80.5 इसका करेक्ट आंसर आया। 20, यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो ये हो रहा है कि इसका तीन गुना कम हो जा रहा है, फिर तीन गुना कम हो जा रहा है, तो इसमें डी 135 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये क्लॉक वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल है, तो इसका करेक्ट आंसर बताया तो जा रहा है बी, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 22, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके लोगों ने बनाया है, लेकिन मैंने तो क्या किया कि ऑप्शंस को यूज़ करके किया था, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर भी
जैसे आप बना रहे हैं क्वेश्चन, आपने मल्टीप्लाई करके देखा तो यूनिट डिजिट वन आ रही थी, तो यहाँ तो कहीं भी यूनिट डिजिट वन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का कि 60 स्टूडेंट्स दोनों गेम खेलते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 7 लीटर। ठीक है, तो आपका मैथ सेशन सेक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर। अब याद रखिए जो 11th 12th साइंस से किए हैं बच्चे, उन लोगों के लिए पेपर इजी होगा क्योंकि सारी चीजें हूबहू एनसीईआरटी से पूछी गई हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। 27, विच कलर इज द ब्लड ऑफ क्रेफिश, तो क्रेफिश के ब्लड का कलर होता है ग्रीन। 28, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, अ सीड कंटेन्स स्टोर फूड, एम्ब्रियो, सीड कोड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है, सीड में तीनों चीजें होती हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ पिस्टिल, अ बॉडी दैट कंटेन्स सीड। तो इसमें दोनों होता है, ए बी दोनों है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ई है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंगाई, तो ये होते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स। इसके बाद 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्रूइंग ऑफ बियर, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये होगा यीस्ट इसका आंसर। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन, कहीं कहीं पे बोला जा रहा है फ्लावर्स, कहीं कहीं पे बोला जा रहा है लीव्स, कहीं कहीं पे दोनों बोला जा रहा है, तो हम इसका आंसर या तो ए बोल सकते हैं या ई बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, हर एग्जाम में पूछता है और वो क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 35, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बोलोमीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नापने की मशीन तो नहीं होती, वेलोसिटी की भी नहीं, वेवलेंथ की भी नहीं, हमें पता है वो क्या होता है, तो ये क्या नापता है, बी हीट रेडिएशंस। 37, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, प्लाज्मा फिजिक्स। ओके, 38, यहाँ पर एमिटर दिया हुआ है और पूछा गया है मतलब कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 6 को 2 से डिवाइड किया और उसके बाद 3 आया और 3 में से 2 माइनस कर दिया, तो ऐसे करके कुछ आया था आंसर 1 ओम। 39, ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो कैसे प्रोड्यूस होता है, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब बी टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर अ सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पूछा गया कि अगर उसका एंगल चेंज हो जाता है तब उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका मतलब कॉमन सेंस यही लगेगा कि एंगल का एस्केप वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, जो नॉर्मल एस्केप वेलोसिटी है वही रहेगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 पे, अ सेकेंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीजेस व्हेन द रॉकेट, करेक्ट क्या होगा, कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 42, वन फेमटोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, करेक्ट आंसर इज सी, 10^-15 मीटर। 43, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस है इसका करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को कम करता है, ठीक है, दर्दनाशक, तो इसमें है डी, नोवेल्जिन आपका एक एनाल्जेसिक है। 45, bithionyl is generally added to the soap as an additive to function as in, तो कैसे function करने के लिए use होता है, antiseptic। 46, artificial sweetener which is stable under cold condition only is C aspartame, इसके बारे में बहुत सारे exam में अलग अलग languages में पूछा गया है। 47, which of the following hormones is produced under the condition of stress which stimulates glycogenolysis in liver of the human beings, correct answer is C, adrenaline को और क्या बोला जाता है, fight and flight hormone। Question number 48, antiseptics and disinfectants either kill or prevent growth of microorganism, which of the following statement is not true, ये class 12th की NCERT की book से हुबहू पूछा गया है, and the correct answer is chlorine and iodine। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेट सॉरी बी होगा इसका करेक्ट आंसर, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स, ये जो है नॉट ट्रू है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? विटामिन, तभी हमें विटामिन बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। द लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज टू ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विथ सुटेबल डिटर्जेंट इज, तो वो क्या है? तो वो है CO2। 51, कीमोथेरेपी इज, कीमोथेरेपी क्या है? तो ये है बी, यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोटोनिक ड्रग, इनमें से हाइपोटोनिक ड्रग कौन सा है? तो यह है ए, ल्यूमिनल। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बायो पढ़ा होगा अच्छे से क्लास 12th का, 11th का, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विद, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो बी, वायरस। 54, विच पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, करेक्ट आंसर इज डी, जीन। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल बर्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, करेक्ट आंसर इज डी, ZW। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, द परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज, तो क्या है? बी, 51.91%। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये। इन विच गेम हैड प्रमोद भगत ऑफ बिहार वोन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स, ये क्वेश्चन दोनों CDPO और BPSC 67 दोनों में पूछा गया था। करेक्ट आंसर इज सी, पैरा बैडमिंटन। 58, द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022 इज जल जीवन हरियाली। 59, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना ऑन 7th जनवरी 2022 वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन, तो किस चीज पे ऑर्गेनाइज हुआ था? PM गति शक्ति योजना पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वर द विनर्स इन द राष्ट्रीय कला उत्सव 2021, 5 लोग विनर थे। 61, हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2022 फॉर सोशल वर्क इन बिहार, तो ये थे आचार्य चंदना जी। 62, हु वॉज अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन बिहार, तो ये किसको मिला था? सी, धीरज को मिला था। 63, इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बींग बिल्ट, तो ये कहाँ बिल्ट हुआ था? पटना में। 64, जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वॉज, अब जैसे ही वॉज कर दिया तो वो कौन हो गए? शिंजो एबे। 65, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर, किस चीज़ के लिए साइन किया गया था? तो सी, जियो स्पेशल कॉपरेशन के लिए। 66, इन जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन क्विट एज अ लीडर फ्रॉम, तो कहाँ से क्विट, किस पार्टी के लीडर थे वो? तो वो थे सी, कंजर्वेटिव पार्टी के। 67, 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड ऑन, कब हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था 6 दिसंबर 2021 को। 68, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, करेक्ट आंसर इज ए, स्वीडन। 69, इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन, करेक्ट आंसर इज 18 फरवरी 2022। 70, इन विच कंट्री वॉज 48 G7 समिट हेल्ड फ्रॉम 26th टू 28 जून 2022, करेक्ट आंसर इज सी, जर्मनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, करेक्ट आंसर इज बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम। 72, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इज डी, रुचिरा कंबोज। 73, विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 74, INS विशाखापट्टनम वॉज कमीशन ऑन 21st November 2021 बाई सी, राजनाथ सिंह। 75, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज इज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑन, कब? ए, 16 मार्च। 76, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 77, वेयर वॉज एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोबरधन और इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी, इंदौर। 78, हु हैज अज्यूम चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 1st May 2022, करेक्ट आंसर इज ए, विनय मोहन क्वात्रा। आप देख रहे हैं कि मई तक के करंट अफेयर्स यहां पर पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द चॉपर इन विच जनरल बिपिन रावत वॉज ट्रेवलिंग ऑन 8 दिसंबर 2021 क्रैश्ड इन, कहां क्रैश हुआ था? तो तमिलनाडु में क्रैश हुआ था। 80, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर बिटवीन, अब अगर यहाँ पर कॉमन सेंस लगाया जाए तो आपको पता ही होगा कि न्यू दिल्ली से मुंबई, चाहे लखनऊ से हैदराबाद, चाहे कलकत्ता से मुंबई, कोई भी 500 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ हो सकता है सी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच का। 81, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन, करेक्ट आंसर इज डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 82, द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया इज सी, सॉरी डी, केरला हाई कोर्ट।
83 मिशन वात्सल्य कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 84 अंडर बाल सहायता योजना हाउ मच अमाउंट वॉज अनाउंस्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड 19 टिल द अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स. करेक्ट आंसर इज डी 1500 दिए गए थे. 85 विच पेविलियन वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल इन द बेस्ट पेविलियन कैटेगरी ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. करेक्ट आंसर इज डी द बिहार पेविलियन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजन मूवमेंट. करेक्ट आंसर इज डी गौरीशंकर मिश्रा. 87 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस. अब यहाँ पर दो लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी. तो प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को खत्म कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, और खुदीराम बोस को हैंग किया गया था, जो ऑप्शन में यहाँ नहीं है. करेक्ट आंसर इज ई. 88 विच रूरल रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्रा. डी उदयन. 89 हु वॉज द रूलर ऑफ मगध ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया. कौन थे वो? तो वो थे बी धनानंद. 19 विच सूफी ऑर्डर वॉज सूफी सेंट शरफुद्दीन याहिया मनेरी एसोसिएटेड. तो ये सुहरावादी ऑर्डर के थे. 91 हु डिड लीड द पीजेंट मूवमेंट इन द रीजन ऑफ दरभंगा राज. तो ये थे बी स्वामी विद्यानंद. 92 विच सिटी ऑफ बिहार वॉज मेड कैपिटल इन लियू ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम. डी मुंगेर. उन्होंने चेंज कर दिया था. 93 इन विच ईयर वॉज बकश्त मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार. तो कब स्टार्ट हुआ था ये? 1938 में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे. इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका शो हिज बिलीव इन त्री रत्ना. तो ये भाबरू इंस्क्रिप्शन में था. अब 95 हु इज द ऑथर ऑफ अष्टांग हृदयम फेमस बुक ऑफ आयुर्वेदा. तो ये ना चरक ने लिखी थी ना धनवंतरी ने, ये लिखा था वाग्भट ने. 96 विच गुप्ता रूलर इज मेंशनड एज परम भागवता इन नालंदा कॉपर प्लेट्स. बहुत जगह ये कन्फ्यूजन है, कोई चंद्रगुप्त 2 बोल रहा है, कोई समुद्रगुप्त बोल रहा है. तो ये कंट्रोवर्सी का आंसर है, क्योंकि घटना चक्र में भी इसके दो अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 97 विच अरब ट्रैवलर वाइडली डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ राष्ट्रकूटास. तो ये थे डी सुलेमान. ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है. 98 विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज नोन एज लाखपक्ष. तो वो कौन थे? ए कुतुबुद्दीन ऐबक. बहुत सारे क्वेश्चन घटना चक्र से भी थे जीएस के. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल नेम्ड दारुल शिफा. तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे. वेट, हाँ 99 हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे. विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड शिराज ई मशरीक इन द मिडिवल एज. तो ये था कौन सा जगह? जौनपुर था. 101 विच मुगल एम्पायर हंग अ बेल ऑफ जस्टिस कॉल्ड जंजीर ई अदली. तो वो थे जहांगीर. जंजीर से जहांगीर आप याद रख सकते हैं. 102 हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस. तो ये थे बी दयानंद सरस्वती जी. क्वेश्चन 103 हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज ड्यूरिंग द बक्सर वॉर. तो वो कौन थे? बी हेक्टर मुनरो. 104 who among the following was not associated with Devvand school. ये सारे associated थे, Google से check out किया हुआ है. E is the correct answer. 105 which of the following was not condemned by Brahmo समाज. तो Brahmo समाज ने हर चीज को condemn किया था, तो इसका भी correct answer आपका E हो जाएगा. Next question number 106 the smallest river tributary in length in kilometer is. अब बिहार में सबसे smallest tributary कौन सी है? तो ये है D कमला. 107 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना. तो कहाँ होता है वो? नॉर्थ ईस्ट एल्यूवियल प्लेन. अब आप देख रहे हैं कि मिथिला का जो एरिया है आपका मधुबनी मिथिला वाला, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर है, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना उगाया जाता है. 108 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्क सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच. तो करेक्ट आंसर इज सी कैमूर और बक्सर. कैमूर और बक्सर दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ही है. क्वेश्चन नंबर 109 Which of the following cities experiences an early sunset? जैसे नॉर्वे को द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, वैसे ही टोक्यो को द लैंड ऑफ मतलब क्या बोला जाता है कि डूबते हुए सूरज का सिटी बोला जाता है टोक्यो को. 110 अफगानिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ.
कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान है, कुछ कह रहे हैं ईरान है, तो मतलब क्रॉस चेक करके मुझे पता चला तो करेक्ट आंसर है ईरान। 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर्स, बुश फायर इज नॉट अ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप। करेक्ट आंसर इज डी साइबेरिया, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। 112, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियन, 2018 का डेटा पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज मॉरिशियस, सबसे ज्यादा इंडियंस मॉरिशियस में ही रहते हैं, बिहारी भी सबसे ज्यादा मॉरिशियस में ही रहते हैं। 113 क्या आते हैं, द खाइबर पास कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी। करेक्ट आंसर इज ई, इनमें से किसी को कनेक्ट वो नहीं करता है, दो सिटीज को करता है एंड खाइबर एरिया और एक और कुछ है। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच, तो बी जो दंडक अरण्य है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे, अटल टनल या फिर रोहतांग टनल किसको कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्ट करता है डी लेह और मनाली को। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब यहां पर दिया हो सबसे बड़ा तो आप जानते हैं कि रामगुंडम है, और अगर उसको नहीं कंसिडर करें, इन चारों में से पूछा जाए तो होगा सी। 117, रीसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन ताउते मेड इट्स लैंडफॉल ओवर द कोस्ट ऑफ, तो कहां पर, तो मतलब अरेबियन सी में आया था, कहां, सौराष्ट्र के पास। 118, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रामसर साइट एंड स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो करेक्ट आंसर इज डी लोनार, लोनार कहां है, महाराष्ट्र में है। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज द स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया, तो किसका सबसे स्मॉलेस्ट बेसिन है, तो यह है डी तापी का। 120 पे आते हैं, 119 के बाद 120 मिसिंग है, मैं इसको भी बता दूंगी। यहां पर आते हैं 126, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, तो बी ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। 127, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया। करेक्ट आंसर इज सी नरेंद्र झा। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीजें हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ई। 129, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, तो किसकी सुपरविजन में आती है, इनमें से किसी के नहीं आती है, ई इज द करेक्ट आंसर। 130, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। 131, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज क्रिएटेड बाई डी एन एक्ट पास बाई द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। करेक्ट आंसर इज सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 133, विच बिल सॉट टू एंड द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड असेंबली। अब यहाँ बिल पूछा है, अमेंडमेंट नहीं पूछा, अमेंडमेंट तो 103 था और बिल था बी 126 अमेंडमेंट बिल 2019। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज आपका ए रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 11th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर इज डी 29 सब्जेक्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे, विच इज द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन 2011 सेंसस, सी रोहतास। 137, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन बिहार स्टेट इज डेयरी इंडस्ट्री। 138, इन विच क्रॉप प्रोडक्शन बिहार स्टेट इज लीडिंग इन द कंट्री। करेक्ट आंसर इज ई, इनमें से किसी में लीडिंग नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी फॉर स्टडिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंसेस। इसका करेक्ट आंसर है एम दामोदरम। 140, from time to time, which among the following publishes the exchange control manual in India with the foreign exchange of India? Correct answer is C, RBI. 141, which of the following organizations provide guarantee to exporter in India? Correct answer is D, Commerce Ministry. 142, which agency is responsible for procurement, distribution and food grain production in India? Correct answer is B, Food Corporation of India. 143 पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ग्रोइंग स्टेट. वैसे सब में होता है सोयाबीन, छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेकिन टॉप पे नहीं है ये. तो करेक्ट आंसर इज ए. 144. विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. तो क्या है? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इसका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है. 145. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो कौन करता है ये? तो डी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस. 146. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर. सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. 147. ब्राउन मैन्यूरिंग, अ रीसेंट अप्रोच ऑफ वीट कंट्रोल, इज मोस्टली यूज्ड इन कहाँ? तो डायरेक्ट सीडेड राइस पे. 148. व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेज, देयर विल बी ए, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 149. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011. ए, सीतामढ़ी. 150. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग GDP इन इंडिया. डी, द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. अभी जो क्वेश्चन छूट गया है उसको भी बता दे रही हूँ, हिंदी में से ही बता दे रही हूँ. 120 था शायद वो क्वेश्चन ना. ये भी बता दिया था. कौन सा छूटा है? द लोकसभा, ये भी हो गया. दोनों ही पेजेस यहाँ पर मिसिंग है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. वो पांच क्वेश्चंस आपको मैं बाद में बता दूंगी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. देखिए मैंने बहुत ही कम टाइम लेके सारे आंसर्स आपको बता दिए हैं. तो और अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए मेरे से. अपने मार्क्स शेयर करिएगा तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो निकालकर एक आइडिया लगा पाएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है. कंपटीशन कम था तो कट ऑफ कम रहने का ही उम्मीद है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.